वाला दोस्तों, कोर्स कोड है आपका BPCS 187 187। साइकोलॉजी के हैं आपके सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर सीरीज आपकी ये चल रही है। चलिए तो इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराऊंगा। डिस्कस इन द सेंस लाइक आपको सारे आंसर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस लायक कर दूंगा, अगर आपने किताब के ऊपर मोटी मोटी नजर भी मारी है ना, तो मेरे समझाने के तरीके से ही आपका रिविजन हो सकता है, आप ये मान के चलिए। बात करूं नंबर की, 50 नंबर का आपका होने वाला है ये पेपर, और ये जून 2022 का भी आप देख रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगा वो दिसंबर 2022 का होने वाला है। यही कारण है मैं इन चीज़ों को आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जल्दबाजी में पहले वीडियो खोल लेते हैं, कहते हैं ये तो सेम क्वेश्चन पेपर आ गया। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। चलिए करते हैं शुरुआत, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात करूँ ये कौन सा है आपका सब्जेक्ट, अब थोड़ा हिंदी में भी देख लो, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं आता है ना। मानव संसाधनों का प्रबंधन, लाइक हाउ टू मैनेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हो आसपास अपने, और उनसे कुछ ना कुछ आपको फायदा मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप वो रिसोर्स उसे कह सकते हो। ठीक, जैसे हम भी आपके लिए एक रिसोर्स पर्सन ही है, क्योंकि आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए मानव संसाधन विकास की विशेषताएं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, उनका इम्पोर्टेंस और उनसे प्रॉफिट क्या क्या है आपको। अब मानव संसाधन के रूप में देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके नेचुरल, एक होते हैं आपके मैनमेड। मैनमेड की बात करूँ, ये स्मार्ट पैनल आप देख रहे हो, ये हमने बनाया है, हमने तो नहीं, खैर हम इंसानों ने, ये आपको पैन दिख रहा है, ये मेरा चश्मा, ये मेरी टी शर्ट, ये क्या है, ये सब मैनमेड है। तो संसाधन होते हैं आपके सोर्स, क्या होते हैं, SOURCE, सोर्स। ठीक, और बाकी इसके क्या, इसका विकास कैसे हुआ, हमें तो खाली लकड़ी मिली थी, हमने बांसुरी तैयार करी, हमें तो लकड़ी मिली थी, हमने लकड़ी के दरवाजे बनाए, हमने फ्लोर बनाया, हमने उससे घर बनाए, तो ये कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट हुआ। विशेषताएं आप बताओगे कि कैसे कैसे आज भी इन पर वर्क चल रहा है, कहाँ कच्चा करता फिर पक्का करता, फ्लैट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कोठी, बंगलो, ये सारी चीज हमने ही तो बनाई है। चलिए और इनके लाभ क्या है, अब बताइए, लाभ ही नहीं होगा, ये आप देख रहे हो ये एक रिसोर्स है, इसकी कीमत लाखों में, लाख में या लाखों में, तो कहीं ना कहीं ये फायदा नहीं है, इससे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वर्क कर रहा है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, बिना प्रॉफिट के वो कुछ करने ही नहीं चाहता। चलिए कार्यस्थल की विविधता, अब आपका जो वर्क है होती है ये क्या है, कार्यस्थल की विविधता क्या है, कार्यस्थल विविधता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। आप में से जो भी वीडियोस देख रहे हैं अलग अलग प्लेसेस पर वर्क करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ वर्क फॉर होम करते होंगे, तो प्लेसेस की विविधता आपको पता है, कहीं पर लोग अच्छे हैं, कहीं पर लोग बुरे हैं, वैसे अच्छे तो कम ही मिलते हैं, ज्यादातर बुरे ही देखने को मिलते हैं। जो भी आपसे ऊपर का लाइक ऑफिस में या कहीं भी चले जाओ, हमारे देश में रैंक बांटी हुई है ABCD। हालांकि प्राइवेट का तो मुझे पता नहीं, होता है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी डी ग्रुप। ए वाला इंसान होता है हमेशा ये चाहता है कि ये जो नीचे वाले लोग हैं इनका हमेशा किसी भी तरीके से शोषण किया जाए, शोषण इन द सेंस इन्हें परेशान किया जाए, इनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए। बी वाला सोचता है जो काम ये मेरे साथ हो रहा है, बी वाला सोचेगा कि सी और डी का करा जाए, कहीं ना कहीं हमारी फोर्थ श्रेणी नीचे दब जाती है। मात्र किताबें पढ़ने से और थोड़ी सी मेहनत करने से रैंक्स आपको मिलती हैं, लेकिन रैंक से पहले आप एक इंसान हो। तो वर्क प्लेस पर सबसे ज्यादा चीज देखने को मिलती है दोस्तों ये मिलती है, मैं पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अब मान के चलिए हमारे स्टूडियो में हम टीचर हैं और यहाँ पर कोई सफाई वाला है, दो तरीके बनते हैं, या तो हम उससे तू तड़क बात कर लें, या उसे भी हम इज्जत दें कि आप ये थोड़ी सफाई कर दीजिए। तो आपने देखा अगर हम ए वाले हो गए उसे ऐसे बात कर रहे हैं तू तड़क, हालांकि चाहे वो हमारी मदर की एज की हो, फादर की एज की हो, ठीक है। तो यही चीज आपको बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो कार्यस्थल की विविधता और चुनौतियां क्या क्या है, ये तो हो गई इंसान से रिलेटेड, और काम की चुनौतियां हो सकती हैं, काम का आपका स्तर क्या है वो भी चुनौती हो सकती है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप जो काम कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं है, सारी कुछ भी हो सकती है। तो आपको बुक में आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, और इसे आप माइंड में रखना, आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। हमारे देश में इस टाइम सबसे ज्यादा यही मॉडल चलता है ABCD वाला। बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR के बारे में आपको बताना है। CSR को परिभाषित कीजिए, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व।
बाधाओं का वर्णन कीजिए। जब लाइक आप किसी भी चीज को चयन या चॉइस करते हो तो उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कपड़ों का सिलेक्शन हो, चाहे वो इंसान का सिलेक्शन हो, चाहे वो खाने का सिलेक्शन हो। गलतियां कहते नहीं है, मानव गलतियों का एक पुतला है। अब जिस पार्टनर को हम सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ रहने वाला है, हमारे साथ जिंदगी भर साथ निभाएगा, क्या पता वो कुछ प्रॉफिट के लिए हमारे साथ हो और थोड़े दिन बाद हमें वो लाइक हमारा साथ वो छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां होती है। क्या ना, प्रभावपूर्ण चयन और विभिन्न बाधाओं, तो काफी तरह की उसमें प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और विकास की अवधारणा का महत्व दिए। देखिए, डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है, प्रशिक्षण एक अलग चीज होती है। बात करूं प्रशिक्षण, जब आप प्रशिक्षण लोगे किसी चीज का तो डेवलपमेंट तो आप अपने आप होगे ही होगे। लाइक अब मान के चलिए हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप गैस कर लीजिए, हमने टीचिंग का कोई डिप्लोमा किया है, मान के चलिए हमने बीएड किया है, तो पहले हमने क्या लिया, ट्रेनिंग, उसके बाद हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन द सेंस ये नहीं है हमारे हाथ बड़े हो गए, हमारे पैर बड़े हो गए, हमारी बॉडी बन गई, बाइसेप ट्रिसेप निकल गए, वो वाला डेवलपमेंट नहीं। जो पहले हम पढ़ा रहे थे उसी में कुछ अलग चीजें हमें पता है, लाइक आपको किस भाषा में समझ में आएगा, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएं, अकॉर्डिंग टू एज क्या पढ़ाया जाए, किन किन चीजों का यूज किया जाए। तो पहले हमने क्या ली, ट्रेनिंग, उसके बाद क्या हुआ हमारा, डेवलपमेंट। तो दोनों का महत्व आपको यहाँ पर बताना है। निष्पादन, मूल्यांकन के लाभों, ये मूल्यांकन होता है इवेल्युएशन। जैसे आप एक शोरूम के मालिक हो और आप उसमें अलग ब्रांड्स की बाइक्स या कारें हैं, तो आपको पता होता है कि सबसे ज्यादा कौन सी बाइक या कार बिक रही है और सबसे कम कौन सी बिक रही है। इवेल्युएशन करना पड़ता है, किसकी सेल ज्यादा है, किसकी सेल कम है, इस बार प्रॉफिट हुआ, इस बार लॉस हुआ। अब आप किसी से भी दो क्लासों में आप पढ़ाते हैं, आपने स्कोर अच्छा किया, परसेंटेज लो रहा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप किसी भी सेक्टर में से जोड़ सकते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के लाभों की चर्चा कीजिए। मूल्यांकन के दौरान अनुभव की बाधाओं, देखिए काफी सारी इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जब हम इवेल्युएट करते हैं, डेटा गलत हो जाए या चीजें आपको समझ में ना आए, वो टाइम से पहले एक टारगेट होता है ना, यूं थोड़ी कि आप एक ही क्लास को दो साल तक ऑब्जर्व करेंगे, तो समय सीमा के अंदर। मनोवैज्ञानिक अनुबंध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कर्मचारी कल्याण और स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। सरकार ने नई नई स्कीम्स निकाल रखी हैं, आपने ESI का नाम भी सुना होगा, जिसमें आपको PF वगैरह ये सारी चीजें आपकी कटती हैं, ESI, PF, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें आपकी कटती हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो थोड़े बहुत आपको हेल्प मिल जाए, फाइनेंशियल हेल्प थोड़ी मिल जाए। तो कर्मचारी कल्याण स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन पेपर टू आपका हो चुका है कंप्लीट, और दो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने यहाँ दिखाए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी।